हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कोई नया वीडियो लेकर आता हूं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो यस, इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारी कैंडलस्टिक सीरीज जो चल रही है उस पर नया पार्ट लेकर आया हूं। अभी हम जो बात डिस्कशन कर रहे हैं वह है डुअल कैंडलस्टिक पर, तो डुअल कैंडलस्टिक का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखेंगे आज कौन सा पैटर्न है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो आज हम जो सीख रहे हैं वह है पियर्सिंग पैटर्न। इसके पहले हमने जो बात की थी लास्ट वीडियो में वह थी बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। तो आइए देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। पियर्सिंग पैटर्न बुलिश पैटर्न है जो कि किस तरीके से काम करता है, एक बार हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई बुलिश पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमको यह कंफर्म करना है कि ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हमको यह कंफर्म करना है कि ट्रेंड बियरिश होना चाहिए, राइट। और प्रीवियस सपोर्ट पे अगर कहीं पे बन रहा है तो बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यह किस तरीके से बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ट्रेंड जो है वह बियरिश है, यह बॉटम पे जाके जो फर्स्ट कैंडल बनेगा वह बियरिश कैंडल बनना चाहिए, बड़ा कैंडल बनना चाहिए और वह करंट डाउन ट्रेंड का पार्ट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और एक रेड कैंडल बन रहा है तो वह उसी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसी ट्रेंड को वह एक्सटेंड कर रहा है और बढ़ा रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहली कैंडल जो है वह क्या बनेगी, रेड बियरिश कैंडल बनेगी। नेक्स्ट कैंडल जो है वह किस तरीके से बनना है, तो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन खुलने के बाद में हो सकता है वह थोड़ी नीचे जाए, उसके बाद वह ऊपर बुलिश साइड में मोमेंटम करना चाहिए और वह फर्स्ट कैंडल के 50% पर या उसके ऊपर जाकर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? पहली कैंडल नेगेटिव होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल जो है वह गैप डाउन खुलना चाहिए, गैप डाउन खुलने के बाद में वह कैंडल में भी थोड़ा नीचे जाए, उसके बाद वापस से जब वह ऊपर आएगी ओपन के ऊपर, यह ओपन है हमारा, इसके ऊपर आती जाए तो पहली कैंडल के 50% के पर या उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन और है कि 50% पे क्लोज होना चाहिए लेकिन फर्स्ट कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कैंडल के 50% और ओपन के बीच में ये कहीं भी क्लोज होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न इसलिए बोलेंगे, अगर ये पूरी ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगी। तो इसलिए इसकी जो कंडीशन है वह है फर्स्ट कैंडल के 50% से और ओपन के बीच में क्लोज कहीं भी हो जाएगी वो, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, पियर्सिंग पैटर्न, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आइए चलते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि यह किस तरीके से बनती है और इसमें किस तरीके के मोमेंटम आते हैं। सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, बेरिश है, पुराने लेवल पे ये सपोर्ट बन रहे हैं। आपने देखा कि बिल्कुल बॉटम पर जाकर एक मार्केट जो है एक रेड कैंडल बना रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहां से नेक्स्ट जो बात है कि भाई यह फर्स्ट जो कैंडल है वह क्या होना चाहिए, करंट डाउन ट्रेंड का पार्ट होना चाहिए जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा। नेक्स्ट कैंडल जो है गैप डाउन खुलना चाहिए, तो इसकी क्लोजिंग ये वाली है, ओपनिंग जो है उसकी यहां हो रही है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो कैंडल है वो गैप डाउन खुली है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद में जो है क्लोज कहाँ कर रहा है, यहां पर कर रहा है थोड़ा ऊपर आने के बाद, और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 50% पर या उसके थोड़ा ऊपर क्लोज हो रहा है। तो यह पैटर्न हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो अब अपन देखते हैं कि जब पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो गया है, सपोर्ट पर ही बना है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं
कि यहाँ से मार्केट जो है इस कैंडल के ऊपर से मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहिए और इस कैंडल के नीचे जो है हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस यहाँ पे हम ऊपर के लिए एंट्री बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर ही निकल गया। एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे इतनी बड़ी राइड मिल सकती है अगर हम सही जगह पर ट्रेड को फाइंड कर सकें, राइट। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेंड डाउन होना चाहिए, किसी प्रीवियस सपोर्ट पर बन रहा हो तो और भी अच्छी बात है, और वहां से जो राइड हमें मिलेगी वह क्या होगी, एक बड़ी राइड मिल सकती है, ठीक है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं, किसी और चार्ट में किस तरीके से कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं और वह किस तरीके से फॉर्मेशंस बना रहा है। तो आप देख सकते हैं चार्ट जो है डाउन ट्रेंड ही है, यहाँ से जो मार्केट है डाउन ट्रेंड है और इस तरीके से जो मार्केट चल रहा है, ये मेरे लिए क्या है, ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया है जो कि बड़ा कैंडल है। अब यहाँ पे कंडीशन पियर्सिंग पैटर्न की क्या होती है कि गैप डाउन खुलना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैंडल है गैप डाउन खुली है इसके नीचे, और वहीं से मार्केट जो है थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर आया है। ऊपर आने के बाद में वह क्या कर रहा है, इसकी ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है, राइट। तो 50% के ऊपर क्लोज हो रहा है लेकिन ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है, तो यह कौन सा पैटर्न बनेगा, यह बनेगा पियर्सिंग पैटर्न जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहीं से मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए और इस लेवल के नीचे मेरी स्टॉप लॉस होगी। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है तो मैं छोटा स्टॉप लॉस लेकर बाहर हूं, और जब मुझे मार्केट जो है रिवॉर्ड करे, मतलब मेरे डायरेक्शन में मार्केट आए, तो मैं एक बड़ा रिवॉर्ड ले सकूं। इसलिए ये सारी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, समझिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक इमीडिएटली पहुँच सके, ठीक है। और मैंने कंडीशन आपको बताई थी यहाँ पे कि इसके ओपन के नीचे क्लोज होना चाहिए, अगर ओपन के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या होगा, वह बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी एक ये वीडियो बना था, इसमें इसके नीचे कंडीशन ये वीडियो में मतलब सॉरी इस कैंडल में बेरिश मोमेंटम है, नेक्स्ट डाउन खुला है, यहाँ तक हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद आप देखो 50% के ऊपर भी क्लोज रहा है, वहां तक भी हम अभी भी पियर्सिंग में हैं, लेकिन क्या हुआ, उस कैंडल ने इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोज दे दी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, कंडीशन चेंज हो गई है। मार्केट में बुलिश मोमेंटम ही आ रहा है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वह पियर्सिंग पैटर्न से कन्वर्ट होकर क्या हो गया है, बुलिश एंगलफिंग पैटर्न। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस भी बताया कि क्या डिफरेंस है बुलिश एंगलफिंग और पियर्सिंग पैटर्न में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है इसका अपोजिट पार्ट, ठीक है, और वो क्या होगा, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। सेम सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहां पे हम बेरिश कैंडलस्टिक देख रहे हैं, तो बेरिश कैंडलस्टिक्स में क्या होना चाहिए, ट्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की। तो हमने बेरिश कैंडलस्टिक जब भी हम देखेंगे तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो है हमारे करंट ट्रेंड की पार्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कैंडल जो है मेरी बुलिश होना चाहिए। तो दिख रही है आपको बुलिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप खुलना चाहिए, मार्केट ये गैप अप खुल रही है, थोड़ा ऊपर गई उसके बाद नीचे आ रही है, तो नीचे आने के बाद में फर्स्ट कैंडल के 50% के पर या 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, लेकिन
उसकी फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग के बीच में क्लोज होना चाहिए, राइट। अगर उसके नीचे आ जाएगा तो कौन सा पैटर्न बन जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्ट्स पे इसको कि किस तरीके से यह कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, चार्ट्स पर किस तरीके से दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। तो आइए चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं। यह HDFC बैंक का चार्ट है। यह आप देख सकते हैं, यह जब मर्ज हुई थी HDFC बैंक और HDFC मर्ज हुई थी तब का कैंडल है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ऊपर ओपन हुई है, इस बॉडी के ऊपर ओपन हुई है और यहाँ से गिर कर के वह 50% के नीचे आके क्लोज हो गई है। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यह ओपन के नीचे क्लोज नहीं हुई है लेकिन 50% के नीचे क्लोज हुई है इस जोन के बीच में। तो हम यह कौन सा पैटर्न कहलाएगा, यह कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। और यह कौन सा पैटर्न होता है, बेयरिश पैटर्न होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कैंडल के नीचे हम एंट्री बना सकते हैं, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट जो है नीचे की साइड में मोमेंटम होना चाहिए, जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है मार्केट कितनी स्पीड से जो है मार्केट गिरा है। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट 1700 से 1200 के आसपास मार्केट आया है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक कितनी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। बस शर्त यह है कि वह सही जगह बना होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है कैंडलस्टिक बनी है, गैप अप खुल रहा है मार्केट, फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद उसने बुलिश कैंडल बनाई। नेक्स्ट कैंडल जो है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल है वो क्या हो रही है, बुलिश दिख रही है आपको, बड़ी कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो है ओपनिंग यहां हुई है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या आ रही है कि 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 50% के नीचे क्लोज हो रहा है। फोर्थ कंडीशन क्या है, उस कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग यहां है, क्लोजिंग यहां है, मतलब क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे और उस फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो यहाँ पे हो रहा है। तो यह कौन सा पैटर्न कहलाएगा, यह कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। और इसके बाद हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम आना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन क्या होता है, यहाँ से इस कैंडल के नीचे एंट्री ले रहे हैं लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ ऊपर खुला, ऊपर गया, राइट। तो हमारी एंट्री हो नहीं पाई। अगले दिन फिर वो गैप अप खुला लेकिन वहाँ पे जाके रेड कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल जो है फिर से रेड बना है बड़ा और यहाँ जाके हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे की साइड धीरे धीरे आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको कंफर्मेशन होने के बाद में मार्केट थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे डांस करता है, उसके बाद क्या करता है, वो सही डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो में कि हमें सही जगह पर सही समय पर एंट्री लेना आना चाहिए। किस जगह पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन चीज़ों को हमको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले माइंडसेट होता है, माइंडसेट जरूर जरूर जरूर, मैं तीन बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंडसेट पे काम करना ज़रूरी है। कैंडलस्टिक की हज़ारों वीडियोज़ हैं लेकिन माइंडसेट ही ऐसा है। कहने का मतलब, आप, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, गहरी नींद में भी सो रहा है ना, तो उसको उठाना पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है ना, तो उसको उठाना नामुमकिन है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, माइंडसेट का मतलब क्या है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति करना ही नहीं चाह रहा है ना, तो पूरी दुनिया भी उसके पीछे लग जाएगी ना, तब भी नहीं करेगा वो। और अगर उसको करना है तो पूरी दुनिया भी रोकेगी ना, तब भी वो कर गुजरेगा, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। आप देख सकते हैं इतना बड़ा मोमेंटम आया है। नेक्स्ट जो कैंडल है ये वाली है, ठीक है, फर्स्ट वाली कैंडल तो ये दिख ही रही है हमको। नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप खुली, थोड़ा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में नीचे गिरी है,
50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, हो रही है। फर्स्ट कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो भी हो रही है। इस दोनों के बीच में ये क्लोज हो रही है। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में नीचे मोमेंटम आना चाहिए। इसके नीचे हमारी एंट्री, इसका हमारा SL, और यहाँ से मार्केट जो है नीचे की साइड में मूव कर रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन कंडीशन सेम है, लेकिन हमें हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, हमारी रिस्क कितनी है उसके हिसाब से काम करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अगर हम उस कैंडल को, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, ताकि हमारी रिस्क, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी रिस्क ही इंपॉर्टेंट है। हम रिस्क पर जितना काम करेंगे उतना हमारा रिवॉर्ड बढ़ेगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इमीडिएटली पहुंच सके, और आपको जो है एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।